बत्तीस जो है वो शुरू हुई है और अभी सिर्फ बिलाल का ही कन्फेशन जो है वो जो रिकॉर्ड हुआ है, और इसके अलावा उसके डिस्क्लोजर पे ही उसके साथी पकड़े गए हैं। अलबत्ता उनके जो साथियों की और फर्दर जब तफ्तीश होगी तो मुझे उम्मीद है कि और भी अरेस्ट इसमें होंगी और भी रिकवरीज होने के पूरे चांस। ये नॉर्थ कश्मीर में मिलिट्रेंट्स को बढ़ावा देने के लिए नई कोशिश कर रही है जिससे पुलिस और फौज मुश्तरक होता है। देखिए, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोलाब से, फिर हंडवाड़ा से, फिर सोपोर से और फिर बारामूला पट्टन वाले इलाके से अगर यूथ मिल के एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि नॉर्थ कश्मीर में ये मिलिटेंसी को रिवाइव करने की कोशिश थी। और मैं ये भी बताता चलूँ कि क्योंकि इंस्ट्रक्शंस यहाँ के जो लोग पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट हैंडलर हैं वो दे रहे थे, तो इसमें जाहिर सी बात है कि ये मिलिटेंसी को यहाँ पे दोबारा फैलाने की कोशिश कर रहे थे और दोबारा उसको रीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे थे। और ये एक ऐसा नेटवर्क था, इनमें मैक्सिमम लोगों का जो है वो पास्ट में भी मिलिटेंसी रिलेटेड केसेस में इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों को दोबारा रिवाइव करके और उनको एक्टिवेट करके एक नया नेटवर्क तैयार करने की कोशिश। सर, एनी स्पेसिफिक मिलिटेंट आउटफिट या एसोसिएटेड में? देखिए, ये लोग जो वहाँ से इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे ये तहरीकुल मुजाहिदीन की वो अवस्था है। अलबत्ता यहाँ पे देखिए, आजकल टेररिज्म में वो भी नहीं रहा। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो नए तफ्तीश हो रहे हैं उनमें डिफरेंट टेररिस्ट ग्रुप्स का एक साथ ऑपरेट करना भी सामने आया है। और अभी क्योंकि तफ्तीश मैंने बोला कि इब्तदाई मरहले में है, आगे क्या क्या किस ऑर्गेनाइजेशन का कैसे नाम आता है वो अभी मज़ीद शेयर करना बाकी है। जी सर, ये जो पिस्टल आप बोल रहे हैं, पिस्टल पाँच रिकवर हुए हैं, इनका कुछ टारगेट था सर? नेचुरली आपने देखा है कि जिस तरीके से साउथ कश्मीर में या सेंट्रल कश्मीर में कुछ टारगेट क्लीन हुई है, हो सकता है कि यहाँ पे भी ऐसी कुछ वारदात हो सकती थी। और मुझे लगता है कि ये बर वक्त एक पुलिस और आर्मी की जो कार्रवाई मुश्तरक हुई है इसमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है।